understand arrangement of particles in solids ओके तो ये तीन डायमेंशन पे जल्दी रहने वाले हैं हमारे डिस्कशन के। टू बिगिन विद, सबसे पहली चीज सॉलिड्स अगर हमारे सामने बोला जाता है तो व्हाट कम्स टू आवर माइंड? दो काइनेटिक एनर्जी और हाई पोटेंशियल एनर्जी और सॉरी ठीक है बोलो ना क्या बात, वेरी गुड। अरे सही बोल रहा है तू? नहीं बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं, बहुत मार्के की चीज पकड़ी है तुम। देखो हर्षित का डाउट क्या है सुनो। नहीं नहीं डाउट नहीं, वो उसका क्या है बोलूं, प्रेजेंटेशन नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? दैट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स गुड। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड इफ यू आर राइट, ठीक है, तू गलत भी नहीं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों में, मतलब वेयर आर यू मिसमैचिंग विद थिंग। बाकी लोगों का दिमाग उस पर गया ही नहीं, ठीक है ना, तो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं बोल रहा। सी हिज डाउट इज और हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप सारे लोगों ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो और इसका डाउट है कि पोटेंशियल एनर्जी अब लिक्विड, उसके लिक्विड स्टेट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसका ज्यादा क्यों हो रहा है, राइट ना? यही है ना? हाँ हाँ लिक्विड स्टेट से कम रहेगा ना, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ज्यादा है, ये क्या बोल रहा है, यही उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। हाँ ठीक है,
तो सही डाउट है तुम्हारा, और इन लोगों का बोलना भी सही है। ठीक है, रियलिटी यही होती है कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, बट लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में कम रहती है। यस दैट्स द पॉइंट, एंड दैट टू एवरेज रेशियो। ठीक है, एवरेज पर पार्टिकल का रेशियो लेते हैं, किया था ना, बताया था। ठीक है, तो इन लोगों को ध्यान था, तू भूल गया था, इसलिए ये कंफ्यूजन आई थी। ठीक है, एक चीज तो रेशियो लेते हैं, टोटल एनर्जी अगर मेरा बढ़ गया है किसी भी स्टेट में, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट और काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट एब्सोल्यूट लेवल पर दूसरे स्टेट के वैल्यू से डिफरेंट होएगा, बट प्रोपोर्शन हमको चेक करना होता है। यहां पर क्या होगा, प्योर परसेंटेज। अरे हाँ, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी लेस, वेयर एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलेटिवली हाई। इट्स लाइक 10 to 90 कंट्रीब्यूशन, एंड इट्स ऑलवेज पर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन। तो सॉलिड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। We can name them interparticle spacing, lowest interparticle attraction, highest kinetic energy per particle by potential energy per particle is much less than one. No flowability fixed volume and shape क्या, एंट्रोपी लोएस्ट रहेगा, लोएस्ट और रिजिडिटी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रहेंगे, रिजिडिटी एंड elasticity highest। yes बोलिए, delta h minus t delta h। सेम चीज, वहां पर वेपराइजेशन का एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज देता है। ठीक है, कन्वर्सन टू वेपर या कन्वर्सन टू लिक्विड, टू सॉलिड टू लिक्विड, ये दोनों एक ही पीरियड पर होता है।
रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी हाईएस्ट, और कोई छूट रहा है क्या? देखो ठीक है, डेंसिटी को हाईएस्ट कर देते हैं, एक्चुअली वो एसी से रिलेटेड है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हो, अब थोड़ी नॉन बेसिक चीज है। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट चीजें जो कि हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, वो एक है पूछना पड़ेगा, दो चीजें जो हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, वन इज शार्प मेल्टिंग एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड के साथ ये एक एसोसिएटेड बिहेवियर होता है, हाँ कोई भी सॉलिड के साथ होता है, दे विल हैव शार्प बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट ट्रू सॉलिड्स का की कैरेक्टरिस्टिक होता है। Are we getting this point? ये बाकी चीजें हो ना हो, या काफी सारे pseudo solids होंगे, amorphous solids जिनको बोलते हैं, उनके अंदर भी ये सारी properties लगभग होती हैं, but still they are not solids. They are considered not to be solid. ठीक है, उनका state solid होता है, but they are not solids. ठीक है, the example is glass. ठीक है, सोडियम सिलिकेट ग्लास जो है, दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, इट्स स्यूडो सॉलिड, इट डजंट हैव शार्प मेल्टिंग। हाँ नहीं, इसकी बॉन्डिंग की वजह से कुछ तो है। ठीक है, ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड, और एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड घी, घर में घी होता है ना, फ्रिज में रखोगे तो कड़ा हो जाता है, और फिर उसको मेल्ट करने लगो तो ओवर अ टेम्परेचर रेंज मेल्ट करता है, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉलिड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड। ठीक है, सो की कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम किसी भी चीज को जिसको देखते हैं उसको सॉलिड कैरेक्टराइज करते हैं, इज इट्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा की पैरामीटर जो होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को सॉलिड बोल सकते हैं, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो वर्ड्स होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी तरह का मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ऑप्टिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और व्हाट से सो एवर, ठीक है, यानी स्ट्रेस लगाते हैं इसमें से किसी, थर्मल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं, और उस पर्टिकुलर मीडियम या ये सिस्टम का रिस्पॉन्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस व्हेन अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक सिस्टम या आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, मतलब अगर इधर से मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इधर से फोर्स लगाऊं, इधर से फोर्स लगाऊं, द डिफॉर्मेशन विच विल अकर इन इट इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, अगर डिफॉर्मेशन सेम लेवल का होता है तो वी कॉल इट टू बी आइसोट्रोपिक। ठीक है, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे
डिपेंडिंग अपॉन और इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन अगर रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स देता है हमारा सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट्स सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स ओवर अ सिस्टम, द सिस्टम इज टर्म्ड एज आइसोट्रोपिक. ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन अगर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिफर्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इफ रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम towards the same level of stress being applied from different directions is same, then it is termed as isotropic medium or isotropic system. If the response of the system for same level of force applied from different direction is different, it is termed as anisotropic. ठीक है, जैसे for example ये मैंने copper wire, ठीक है, इसमें इस तरफ से करंट फ्लो करूंगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होएगा, इधर से इधर करंट फ्लो करूंगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंस होएगा. इज दैट ओके? अच्छा, अथर्वदेव पांडे को तो दिख नहीं रहा होगा, सो उसको भी दिखाना पड़ेगा. वेट अथर्व, हाँ, अगर यहां से करंट, मैंने ये कॉपर वायर है अज्यूम करो, इसमें इधर से इधर अगर करंट फ्लो कराया मैंने तो इस पर्टिकुलर वायर का रेसिस्टेंस अगर ए होगा और इधर से जब मैं पास करा रहा हूं तो बी रेसिस्टेंस है, तो डेफिनेटली एक चीज हमेशा ट्रू रहेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं रहेगी, ये पक्की सी बात. ठीक है, बी कहां से पास किया? आपने बी कहां से पास किया? बी यहां से सप्लाई किया और यहां से निकाल दिया. जी स्टार यहां कहां से आ गया? सेल कॉन्स्टेंट. हाँ ठीक है, वैसे सोच रहा है तो, बट जी स्टार मत बोलो उसको, जी हाँ उसी की वजह से. बिल्कुल, यहां से ऐसे ये दिख रहा है, इधर से सप्लाई किया और यहां से निकाल लिया करंट को. ठीक है ना, रेसिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, यानी मटेरियल का रेसिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन इन विच वी आर फ्लोइंग द करंट. इज दैट ओके? हाँ सर. वेरी गुड. सो एंड दिस इज नॉट ओनली रेसिस्टेंस, यू कैन टेक एनीथिंग, मतलब यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़ लिया होगा आपको, तो एलोंगेशन जो होगा, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करूंगा और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, दोनों में अलग अलग. ठीक है ना, सो थर्मल स्ट्रेस, अब ये सॉलिड्स के लिए ही, टू सॉलिड्स के लिए ही ट्रू रहेगा, बाकी सॉलिड्स के लिए ट्रू नहीं रहेगा. ठीक है, या लिक्विड या गैसेस के लिए ट्रू नहीं रहेगा. ठीक है, सो टू सॉलिड्स आर गोइंग टू डिफर, और सॉलिड्स व्हाट वी कॉल आर गोइंग टू डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फेजेस इन दीज टू की कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स. ठीक है, ये दो की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं टू सॉलिड्स को बाकी पूरी दुनिया से. ठीक है, लेट अस टेक इट डाउन.
आ गया, क्या चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आजकल? कर रहे हो, गुड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दूसरी चीज होती है, एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। एनी मीडियम दैट सोल्स different the response to same level of stress being applied mechanical thermal और अगर बिहेवियर डिफरेंट ना होकर के सेम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। ठीक है,
ये पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट चीज होती है कि लाइक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर सार्क मेल्टिंग पॉइंट और फॉर एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। ठीक है, तो सार्क मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन जो होता है लेवल ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, हाँ, जिस जिस डायरेक्शन में उसके नियरेस्ट नेबर होते हैं उस डायरेक्शन में सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का होना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। और मेल्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, द मेल्टिंग प्रोसेस हैपेंस बेसिकली होता ये है कि सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, जैसे ही थर्मल ये देते हैं थर्म हीट प्रोवाइड करते हैं, इनका वाइब्रेशन ऑन देयर मीन पोजीशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। ये अपने मीन पोजीशन पर, ये अपने मीन पोजीशन पर हिलता डुलता रहेगा। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन लार्ज होता है, लार्ज होने के टाइम पर अगर ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेंज से बाहर निकला तो ये दोनों डिटैच हो जाएंगे। जब तक ये इस लेवल के नहीं पहुंचते हैं कि ये अपने थर्मल सॉरी अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के रेंज से एक दूसरे को बाहर करते हैं, तब तक ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट भी ऑसिलेट करते रहेंगे। द मोमेंट ये इस एक्सट्रीम तक आ जाए और ये इस एक्सट्रीम तक चला जाए, ठीक है, जब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बाहर आ जाए तब ये फ्री होने लगते हैं। नाउ ये फ्रीडम ऑसिलेशन की वजह से मिल रही है इनको। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हीट एनर्जी से डायरेक्टेड होगा और जो भी एनर्जी का लेवल यानी जो भी टेम्परेचर हम रखेंगे उस पर सबका ऑसिलेशन लगभग सेम लेवल का रहेगा। ठीक है, इक्वल टेम्परेचर पर इक्वल ऑसिलेशन लेवल सबके रहेंगे लगभग। दैट मींस द इंटरैक्शन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स are always going to break down at a particular threshold level. ठीक है, when all of them will be vibrating at an amplitude such that they can simultaneously come out from the effect of each other, right? ये पार्टिकल इसके 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 ऊपर नीचे सबके से एक साथ टूटेगा तब जाकर के ये लिक्विड स्टेट में एंटर कर पाएगा, नहीं तो जब तक एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं टूटेगा इट विल रिमेन इन सॉलिड। ठीक है, एंड दैट इज सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक साथ एक लेवल के वाइब्रेशन पर ही मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के वाइब्रेशन पर ही टूटेंगे। ठीक है, और चूंकि हर डायरेक्शन में इंट्रैक्शन सेम लेवल का था तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस विल बी सेम विच कैन बी अचीव्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। ठीक है, सो हाई होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टिपिकल सॉलिड्स के लिए उनके मेल्टिंग पॉइंट का शार्प। ठीक है, हाई होना इज गुड क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए हाई होता है, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है उसका शार्प होना। Sharp होना is going to indicate कि हर direction में उसका bonding level जो है that is of same level। ठीक है, या interaction level same level का है, नहीं तो direction dependency आ जाएगी। ठीक है, that is not, that cannot categorize it as a solid। ठीक है, so that means Sharp melting point इंटरैक्शन और दूसरी चीज जो है अरेंजमेंट, नियरेस्ट नेबर्स की अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में लगभग सेम रहती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है एनाइसोट्रॉपिक, हाउ द थिंग्स बिकम डायरेक्शन डिपेंडेंट। अभी पिछले पॉइंट में हमने बोला कि नियरेस्ट नेबर की प्लेसमेंट जो है वो सेम है, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में, तो फिर ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करें। ये पार्टिकल है, इसके दाएं, इसके बाएं, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे, इसके पीछे, छह डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इक्वल स्पेस पर पार्टिकल्स रहेंगे, सबके साथ इक्वल अट्रैक्शन रहेगा, छह अट्रैक्शन एक साथ एक लेवल पर वाइब्रेशन पर ही ब्रेक करें। ठीक है, इसलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
अब एनआइसोट्रॉपिक क्यों है, डायरेक्शन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स क्यों शो कर रहा है, तो छह ही डायरेक्शन कवर किया हमने ना, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन क्लोज टू इट, बाकी डायरेक्शन छूटे हुए हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स मैं इस तरफ से लगाता हूँ तो इसका नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पे आए, इन दो पार्टिकल को क्रॉस थ्रू करके जाना पड़ेगा, इसको बोलिए नहीं, हर बार सिक्स पार्टिकल सराउंड करेगा जरूरी नहीं, आठ भी कर सकता है, बारह भी कर सकता है, टेट्राहेड्रल में चार ही रहेगा ना, हार्ड रहने दो ना, हार्ड से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम ये है इस बात से है कि डायमंड को ऊपर से तोड़ूंगा तो ज्यादा एनर्जी फोर्स लगेगा, इस वाले फेस पर अगर फोर्स लगा करके तोड़ने की कोशिश करूंगा तो जल्दी टूट जाएगा, तब मेरे लिए प्रॉब्लम है, या ये चीज ये प्रूव करेगा कि डायमंड जो है वो टू सॉलिड क्योंकि वो एनाइसोट्रॉपिक। हाँ बोलिए, मैक्रो माइक्रो हर लेवल, मतलब अभी ऐसे पूछेगा कि बड़ा बना दिया तो बल्क लेवल पर कैसे, हाँ उसमें भी रहेगा, उसको अगर तोड़ने के लिए साइड से तोड़ने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबली देर आर गोइंग टू बी डायरेक्शंस जिसमें वो इजीली ब्रेक कर जाएगा, और कुछ डायरेक्शंस ऐसे होंगे जिसमें वो डिफिकल्टी के साथ ब्रेक करेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस हाँ ऑब्वियसली, हाँ वो उससे भी, इससे भी रिलेटेड होता है, प्लस और भी चीजें हैं, परफेक्शन भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट लेवल के फोर्सेस पे वो ब्रेक करेगा, कुछ डायरेक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डायरेक्शन ऐसे होंगे जिसमें रिलेटिवली कम फोर्स पर भी वो ब्रेक कर जाए। Is that okay? And that is going to be true with all the solids. जो भी pure solid होंगे उन सबके साथ ये condition applied होगा. Pure मतलब two solids. ठीक है? तो मैं कहाँ discuss कर रहा था? हाँ, arrangement. ये पूरी कहानी arrangement के ऊपर चल रही थी. ठीक है? तो sharp melting point भी arrangement की वजह से मिल रहा है इसको, और anisotropic behavior भी arrangement की वजह से ही, कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट्स की वजह से ही मिल रहा है। मतलब एंड ऑफ द डे सॉलिड्स की मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है, दे आर गोइंग टू बी गाइडेड बाय देयर अरेंजमेंट्स। सो अरेंजमेंट बिकम्स द प्रिंसिपल थिंग टू बी स्टडीड इन केस ऑफ सॉलिड, राइट? तो यहां के बाद से हम अरेंजमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी बीच में थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट्स देख लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। Anisotropic behavior as well as salt melting points improve solids are due to regular
उसके लिए की हायरिंग। Crystalline solids. And the second one is amorphous solid. Crystalline solids water of crystallization कहाँ से याद आ गया? Crystalline से crystallization याद आ गया। So तो क्या बोल रहे थे बोलो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कभी याद आए तो फोन कर, ठीक है? फोन में मैंने बोली रिमेम्बर इट। एक मिनट मैं सुनता हूँ, जस्ट एक मिनट। Thank you.
बोलिए। सॉरी हाँ आप बोलो फिर से। नहीं नहीं वो तुम्हारा डाउट नहीं था, वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस या प्रेजेंटेशन बोलो तो बेटर रहेगा। वेयर यू वेयर जस्ट और इट वाज सम कंफ्यूजन, दैट्स ट्रूथ। तुम एब्सोल्यूट लेवल पर चीजों को देख रहे थे जबकि हमें रिलेटिव लेवल पर देखना होता है। तो अभी तो मॉडिफाई कर दिए जो बोल रहे हो। हाँ अच्छा सोच कुछ लेकिन बोल कुछ और रहे चलेगा कोई बात नहीं। यस नाउ यू आर राइट, दे आर ऑल्सो नेम्ड एज ट्रू सॉलिड्स, दे आर रेफर्ड एज pseudo solids. They have sharp melting point. They have a range of melting point. Teesra hai, they are an isotropic or they behave as an isotropic medium. क्या सबके मेटेलिक ही नॉन मेटेलिक जो भी रहेगा सबका सॉलिड जो होगा ना मेल्टिंग पॉइंट उनके रहेंगे सर। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रह सकता है कम होना अलग चीज है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि सॉलिड्स में भी टू सॉलिड के चार टाइप होंगे ठीक है, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, मॉलिक्यूलर होगा, सॉरी मेटालिक होगा और फिर मॉलिक्यूलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो इसमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले का होता है, बाकी सबका ज्यादा होता है ठीक है। तो कम होना ज्यादा होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनकी की कैरेक्टरिस्टिक यही रहेगी कि रहेगा सार्प। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वॉटर, सार्प जीरो डिग्री पर मेल्ट करेगा ठीक है। सो जितने भी हैं अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज टू सॉलिड्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेल्ट एट शार्प मेल्टिंग पॉइंट ठीक है। दे विल नेवर हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इनका रेंज होता है हमेशा 20 से 30 डिग्री में मेल्ट करेंगे या 50 से 60 डिग्री में मेल्ट करेंगे। रेंज बहुत बड़ा हो या छोटा हो सकता है बट ये हमेशा रेंज में मेल्ट करते, नहीं क्वांटिटी पर नहीं, छोटा थोड़ा भी क्वांटिटी लोगे तभी ये रेंज में ही करे। बोरॉन नाइट्राइड BN हाँ किसमें, हाँ तो क्रिस्टलाइन में ही आता है हाँ SiC, BN ये सब हार्डेस्ट मटेरियल है, इनको ग्राफिन नहीं, ये सबको यूज करते हैं डायमंड कटिंग में। दे आर
डायमंड कटर के टिप इन्हीं से बने हुए होते हैं, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये दो चीज है। हेलो, हाँ, मैं करता हूँ, 5 मिनट दीजिए, लेक्चर खत्म करेंगे लाइन पर। ओके, सो दे हैव बिहेव एज एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, दे बिहेव एज आइसोट्रॉपिक मीडियम, ठीक है। आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो इनका मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वो होता है दे हैव रेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट, रेगुलर 3D पार्टिकल अरेंजमेंट, 3-dimensional पार्टिकल अरेंजमेंट, इसका होता है दे हैव इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म थ्री डी पार्टिकल पार्टिकल्स जो रहते हैं एक मतलब वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, बट दोज क्रिस्टल्स मतलब वो जो एक एक पार्टिकल जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर में रेगुलर नहीं रहती। ट्रू, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं अभी एक PDF अभी के अभी सेंड कर रहा हूँ तुमको, तो ठीक है ना, वो थोड़ा पढ़ोगे देखोगे और NCERT भी ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू रीड मोस्टली अबाउट द अरेंजमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स, जिसको कि ये PDF जो है आपको हेल्प करेगा समझने में।